Everyone here, yeah. Hi, I'm Ayan Zubair Hemani and you're watching me on Bollywood Helpline. And Ayan, first of all, congratulations for your new song. और पहली बात तो आपको कुछ दिन पहले ही बर्थडे था. हाँ जी. ये बताइए कि आपका बर्थडे कैसा गया? Thank you so much. बर्थडे मेरा काफ़ी अच्छा गया एंड मुझे काफ़ी अच्छा सरप्राइज़ भी मिला मेरे बर्थडे पे. मेरे मॉम डैड मुंबई में नहीं थे, बाहर थे एंड उन लोगों ने सुबह आके मुझे सरप्राइज़ दिया. सो हाँ, बर्थडे मेरा काफ़ी अच्छा गया एंड हम लोग अभी सेलिब्रेट करने वाले हैं. सो अभी पार्टी करेंगे हम बर्थडे की. नहीं, मुझे कार सी मैं अभी गाड़ी लेके कर नहीं सकता कुछ, बिकॉज मैं अभी माइनर हूँ. मैं अभी 16 हुआ हूँ तो मैंने बोला हुआ है डैड को, घर पे बोला हुआ है कि मुझे कार चाहिए, लेकिन मेरे 18th बर्थडे पे चाहिए. अप्पी ने भी वही किया था. अप्पी ने भी एक गाड़ी मांगी थी 18th बर्थडे पे, अप्पी को मिल गई. और मैंने भी बोला है डैड को एक कार के लिए. मैं वो अभी डिस्क्लोज करूँगा नहीं मैंने कौन सी कार बोली है, बट एक कार बोली है मैंने और मुझे वो 18th बर्थडे पे इंशाल्लाह मिल जाएगी. ये ख्याल ऐसे कुछ आया नहीं. इसी मैं बहुत गाने सुनता हूँ, मैं रोज़ ही गाने सुनता हूँ. मेरे एयरपॉड्स हमेशा मेरे साथ रहते हैं, या तो एयरपॉड्स रहेंगे या तो मैं गाड़ी में स्पीकर कनेक्ट करके गाने सुन लूँगा. तो एक गानों से मेरा अलग ही कनेक्शन है. तो अगर रात के, मुझे याद है रात के 2 बज रहे थे, मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मुझे एक दो राइम आए. मैंने एक दो राइम्स जो थे वो लिखे, फिर और 2-3 राइम्स आए वो सब लिखे. तो मैंने देखा कि एक सेंटेंस बन गया, एक गाने टाइप का लाइन बन गई. तो मैंने फिर सोचा कि चलो इसको थोड़ा कंटिन्यू करके एक गाना टाइप का बनाते हैं. तो मैंने 1 से 2 घंटे में ये गाना लिखा था. एंड यस, ऐसा कुछ सोच के नहीं लिखा था कि मैं गाना लिख दूंगा, लेकिन वो एक दो राइम्स की वजह से मुझे वो गाना आ गया, तो मैंने वो गाना लिखा. थैंक यू सो मच. काफ़ी अच्छा लग रहा है. एंड मुझे ये गाने पे, मतलब कि स्पेसिफिकली ये गाने पे आप लोग के जेन्युइन रिव्यूज़ चाहिए. अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वो भी मुझे बताइए, और अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है या अगर कोई भी चीज़ की कमी है तो वो भी मुझे बताइए. बिकॉज़ ये मेरा पहला सॉन्ग है तो मुझे, ऑब्वियसली बात है, नो वन्स परफेक्ट. तो मुझे, और ये मेरा फर्स्ट सॉन्ग है तो मुझे इसके अंदर इम्प्रूवमेंट्स तो करनी है. इसके बाद आगे जाके मुझे और इम्प्रूव करके और अच्छे गाने निकालने हैं इसके बाद. मैंने इसमें तो अपना 100% दिया है, लेकिन अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि इसके अंदर ये ऊपर नीचे है तो आप मुझे ज़रूर आके बताइए कि आयान ये थोड़ा सा ख़राब है, ये थोड़ा बेटर हो सकता है, तो मैं अपने नेक्स्ट सॉन्ग के अंदर उसको और बेटर करने का ट्राई करूँगा. जी जी, बिल्कुल एज अ सिंगर आ तो चुका हूँ, बट और गाने आएंगे, और गाने लिखे हैं मैंने, और गाने जल्दी आपको सुनने मिलेंगे. एंड ये तो मेरा फर्स्ट ही था, तो अभी तो बस शुरुआत है. ये जैसे मैंने बताया, ये कोई ऐसा मतलब कनेक्टेड गाना था नहीं. ये मैंने एक दो राइम्स आए मैंने लिखा, तो ये गाने का मैंने नाम भी मतलब सोचा नहीं था. ये गाना पहले मैं इसका नाम रखने वाला था, पहले गाने का नाम होने वाला था वन साइडेड, फिर गाने का नाम होने वाला था अंदाज़ा, फिर गाने का नाम हमने रख दिया तू माने आना. तो कुछ ऐसा सोच के नहीं रखा कि यार ये तू माने आना है, इसके ऊपर गाना लिखना है. इनफैक्ट गाने के ऊपर हमने नाम सोचा. हाँ जी, हाँ जी. नहीं, एक्चुअली ये सॉन्ग तो बहुत पहले आ जाना चाहिए था. इनफैक्ट मेरे बर्थडे पे आने वाला था ये सॉन्ग. इस पर मैं बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ. मैंने फेब में ये सॉन्ग लिखा था एंड मैं तब से अभी तक इस पर काम कर रहा हूँ. लेकिन ऐसे तो मेरा सॉन्ग आने वाला था 1 अगस्त को आने वाला था, बट फिर मैंने बोला कि इसकी वीडियो भी बनाऊँगा मैं. पहले मैं ओनली लिरिकल वीडियो डाल रहा था, फिर मैंने बोला वीडियो भी बनाऊँगा मैं. तो वीडियो बनाने में मुझे लेट हो गया और मैं 1 अगस्त की जगह 14 अगस्त को सॉन्ग मैंने आउट किया है. सो यस, हम लोग साथ में गाने ला रहे हैं एंड जल्दी मेरे भी गाने और आपको आते हुए मिलेंगे एंड अप्पी के भी, और आपको गाने सुनने में आएंगे ज़रूर. ज़रूर जल्दी आएगा वैसा भी गाना कि जिसमें अप्पी गा रही होंगी, मैं रैप कर रहा होऊंगा. सो इट्स अ हिंट, बट जल्दी आएगा ऐसा कोई गाना. मैं ही लिखूंगा, मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि वो गाना भी मैं ही लिखूंगा. एंड यस, आएगा, जल्दी आएगा इंशाल्लाह. तो आपको पर्सनली किसका गाना चाहिए, आपका गाना
सी मैं तो ये बोल ही नहीं सकता कि मेरा गाना अच्छा है इसके अंदर। मैं पहले तो मैं अपने गाने की ऐसे तारीफ़ करूँगा नहीं, और दूसरी बात वो गाना जो है वो गाना है मेरे देश पे, तो मैं तो कहीं पे बोल ही नहीं सकता कि तू माने या ना तेरा वतन वतन याद रहेगा से बेटर है। तो मेरा गाना तो कहीं पे स्टैंड ही नहीं करता है वो गाने के आगे, बिकॉज़ वो गाना मेरे देश पर है। तो मैं तो 100% बोलूँगा कि वो गाना बहुत ही अच्छा है, एंड मुझे पर्सनली भी बहुत अच्छा लगा, एंड वो मेरे दिल के बहुत करीब है, बिकॉज़ वो देश पे गाना है। मैंने मैंने सोचा ही नहीं ये चीज़ को, ये मेरे डैड ने मुझे इंडस्ट्री में डाला। तो मैंने प्रॉपर मूवीज़ एंड एड्स करना तब स्टार्ट किया था जब मैं 4 साल का था, तो ये तो बहुत पुरानी बात हो गई। और मेरे डैड मुझे और उससे पहले से भी ऑडिशंस पे ले जाते थे, तो मैंने एड्स भी करे, उससे पहले भी एड्स करे। तो मैंने पहली मूवी करी थी शैतान, कल्की की मूवी थी, तो मैंने पहली मूवी करी थी शैतान, मैं 4 साल का था उस टाइम पर। और उसके बाद फिर मैंने और काम करना स्टार्ट किया, तो ऑब्वियसली उस टाइम पे तो किसी को नॉलेज होती नहीं है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, क्या बनना है क्या नहीं। तो मैंने तो कभी सोचा नहीं कि मुझे ये इंडस्ट्री में आना है, लेकिन मैंने खुद से ये सोचा कि मुझे यार गाना लिखना चाहिए। जब मेरे को 3-4 राइम्स आए तो मैंने बोला कि यार गाना लिखना चाहिए, इनफैक्ट इसके अंदर बहुत स्कोप है, बिकॉज़ मैं खुद एक डेली सॉन्ग लिसनर हूँ, मैं रोज़ गाने सुनता हूँ, मुझे जो पसंद आ जाता है मैं दिन में 10 बार सुनूंगा। तो वो चीज़ एक है जो कि मैंने खुद से सोची कि यार इस इंडस्ट्री में भी ट्राई करना चाहिए, ये बहुत वाइड इंडस्ट्री है। बहुत बहुत नर्वसनेस, बहुत ही ज़्यादा नर्वसनेस है, एंड बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत नर्वस हूँ, बोथ एट द सेम टाइम। बिकॉज एक्साइटेड हूँ बिकॉज मेरा पहला गाना है, नर्वस हूँ बिकॉज मेरा पहला गाना है। मुझे मालूम नहीं कि आप लोगों को कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा या नहीं लगेगा, तो वो एक नर्वसनेस अंदर रहेगी ही। मैंने अभी 2 घंटा भी नहीं हुआ है मुझे, हाँ 2 घंटा हुआ मुझे, लाइक 1.5 घंटा हुआ है मुझे अभी गाना आउट करके, एंड तब से मैं इंटरव्यूज़ दे रहा हूँ। मैंने अभी देखा नहीं है कि लोगों को कैसा लगा, एंड मैं बहुत ही नर्वस हूँ, फिंगर्स क्रॉस्ड, आई होप सब लोग को अच्छा लगे गाना। एंड यस, अभी मैं देखूँगा कि किस किस का कैसा रिएक्शन है गानों पर। कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट, रक्षाबंधन तो जल्दी आ रहा है, वो हम लोग हर साल सेलिब्रेट करते हैं, वो बहुत ही अच्छा फेस्टिवल लगता है हमें, हर साल हम लोग सेलिब्रेट करते हैं रक्षाबंधन और भाई दूज दोनों ही। तो कोई ऐसा स्पेशल मोमेंट, आई डोंट नो, ऐसा लाइक किसी चीज़ के बारे में अगर स्पेशल मोमेंट हो, झगड़े तो सी वो तो रहते ही हैं भाई बहन में, लेकिन हमारी एक ऐसी चीज़ है, लोग भाई बहन झगड़ा करते हैं वो लोग दिनों तक बात नहीं करते, घंटों तक बात नहीं करते, लेकिन मेरा अप्पी का ऐसा है ही नहीं। जितनी बड़ी से बड़ी बात हो जाए ना, मेरा अप्पी का झगड़ा 10 मिनट के ऊपर नहीं चलेगा, लाइक लिटरली 10 मिनट के ऊपर नहीं चलेगा। 10 मिनट तक कि हम लोग बात नहीं करेंगे, या तो वो आ जाएंगी या तो मैं आ जाऊँगी, यार चलो सॉरी हो गया, ख़त्म करते हैं। तो आई गेस वो एक चीज़ है जो कि काफ़ी सिबलिंग से अलग है, हम लोग एक दूसरे के बिना ऐसे रह नहीं पाते हैं, थोड़ी देर भी ऐसा गुस्सा रहे कि ऐसे ज़्यादा देर हम लोग रह नहीं पाते हैं। आई गेस वो चीज़ एक ऐसी है जो कि थोड़ी अलग है बाकी सिबलिंग्स से। आप दोनों अपने ऐसे शूट टाइम या फिर ये सीजन में काम करने वाले, ये सब भी शेयर करते होंगे एक दूसरे? हाँ हाँ बिल्कुल करते हैं वो सब, तो शेयर वो तो हम सबको एक दूसरे के बारे में सब मालूम होता है। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर आएंगे हम लोग, हम लोग ने पहले टीवी सीरियल्स करे हैं साथ में, बट नॉट साथ में, लाइक पहले वो रहती हैं फिर लीप हो जाता है फिर मैं आता हूँ, तो लाइक सेम स्क्रीन पे साथ में हम लोग नहीं आए अभी तक, लेकिन वो भी ज़रूर हम लोग इंशाल्लाह जल्दी आएंगे, तो उसकी भी दुआ करिए और हम लोग आ जाएंगे इंशाल्लाह। जी नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बिग बॉस देखता था, लाइक सारे एपिसोड्स देखता था वो वाले सीज़न तक के, सिद्धार्थ शुक्ला एंड आसिम वाले सीज़न तक के मैंने पूरा बिग बॉस फॉलो किया है, लेकिन उसके बाद से मैंने बिग बॉस देखना थोड़ा कम कर दिया, मैं देखता नहीं हूँ अब ज़्यादा बिग बॉस। अभी अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो पहले तो मैं अभी ज़्यादा गानों पर ही ध्यान दे रहा हूँ, बिकॉज़ एक नई चीज़ में मैं आया हूँ, सिंगिंग एंड लिरिक्स के अंदर मैं एक नई चीज़ में आया हूँ, तो मैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ अभी। मैं थोड़ा कांस्टेंट होना चाहता हूँ कि अभी मैं गाना लाया हूँ तो अभी मैं 1-2 महीने में एक और गाना निकाल दूँ, फिर और एक निकाल दूँ, तो मैं इसमें अभी थोड़ा ज़्यादा बिजी हूँ। सो लेकिन इंशाल्लाह जल्दी देखने मिलेंगे और भी चीज़ें और भी प्रोजेक्ट्स। मोस्ट वेलकम।